हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के बारे में, और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं इसके बिजनेस से रिलेटेड, Q3 से रिलेटेड। और हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर किस टाइम तक आपको इसको होल्ड करना चाहिए, किस टाइम पे आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, और यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको रीसेंट डेटा जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स का है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालेंगे, जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस स्टॉक में और किस स्ट्रेटजी के साथ निवेश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में आज अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आया। मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था कि जैसे जैसे कोविड यहाँ पे जो ओमिक्रॉन वायरस वाला है वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगा, यानी कि अपसाइड मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आएगा। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। निफ्टी बैंक में आज सबसे भयंकर उछाल था, बैंकिंग के मोस्टली जो स्टॉक्स थे उन सब में आपको बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ मिड कैप में माइनस ही तेजी और सेंसेक्स और निफ्टी में एक ठीक ठाक सा डिसेंट सा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें IEX के बारे में, तो यहाँ पे आज 260 से ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है, और करीबन ₹1 से आज ये शेयर आपको टूटते हुए नज़र आया है। करीबन 0.40% की पर्टिकुलरली आपको गिरावट देखने को मिली है। एक अगर आप देखोगे मार्केट स्टार्ट होते ही बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे चार्ट में देखने को मिल रहा है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन अगर आप देखोगे पूरे मार्केट सिनेरियो में फिर ये शेयर आपको नेगेटिव ही चलते हुए आया, और करीबन 0.40% के साथ ₹260 के आसपास की क्लोजिंग बनाते हुए ये शेयर आपको आज नजर आ गया है। ओवरऑल हम डायरेक्टली इसके अपडेट के बारे में बात करने से पहले 5 दिन के अगर हम यहां पर रिटर्न्स देखें तो करीबन 3.5% के आसपास के निकल के आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा या तो आप ठीक बोल सकते हो या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से थोड़े से कम है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो आपको बेहतरीन रिटर्न्स बनाते हुए आया है, लेकिन स्प्लिट के बाद से अगर आप देखोगे तो इसमें एक तेज़ी का माहौल नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे के रीज़न के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत बड़ी अपडेट है इसके बिजनेस सिनेरियो से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, जिस पे आपको यहाँ पे जो पावर चीज़ें हैं या फिर एनर्जी के एक्सचेंज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दिसंबर के महीने में करीबन 24% के साथ आपको जो एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको 24% के साथ इंक्रीज होते हुए नज़र आया है, और ये जो वॉल्यूम है करीबन 9035 MN यूनिट्स पर पहुंचते हुए नज़र आया है दिसंबर के मंथ में। डेफिनेटली एक बड़ी न्यूज़ पर्टिकुलरली इस स्टॉक के लिए, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि अभी इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कुछ ही महीनों पहले रिज्यूम हुआ था, और आज अगर आप देखोगे दिसंबर के महीने तक का डेटा उसमें आपको वॉल्यूम में करीबन 24% का राइज देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहां से एक बड़ी न्यूज़ है। आगे अगर आप देखो तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि IEX ने 24% की ग्रोथ रजिस्टर की है, करीबन 9035 मिलियन यूनिट आपको दिसंबर में क्रॉस करते हुए नज़र आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप टोटली आपको पता चलेगा कि जो IEX है वो पहले अगर आप देखो तो 7285 पर ट्रेडिंग वॉल्यूम आपकी नज़र आती थी, अब यहाँ पे आपको करीबन 9035 पर इसकी जो वॉल्यूम है वो नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में अगर आप देखो तो यहाँ से जो ओवरऑल सिनेरियो बताया जा रहा है और ज़्यादा इम्प्रूव्ड नज़र आ सकता है, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चलते हुए नज़र आने वाला है। आगे का अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि करीबन 13.85 की रिन्यूअल एनर्जी सर्टिफिकेट्स
इस ट्रेडिंग प्लेट सेशन अगर 29th December में देखो तो उसमें क्लियर हुए थे। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो करीबन 11 लाख नॉन सोलर REC, जिसकी जो क्लियरिंग प्राइस थी वो 1000 per REC और 2.55 लाख सोलर REC, जिसकी क्लियरिंग प्राइस 2211 प्राइस आपको देखने को मिल रही है। ये आपको क्लियर होते हुए नजर आए दिसंबर के महीने में। तो एक बड़ी अपडेट जो कि यहाँ से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का जो लेटेस्ट डेटा निकल के आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिसंबर 2021 का, जनवरी के तो अभी 5 ही दिन हुए हैं तो इसलिए कोई भी यहाँ पे आपको डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दिसंबर 2021 में अगर आप देखोगे आदित्य बिरला सन लाइफ RV ट्रस्ट फंड ने करीबन 121% का इंक्रीमेंट या पॉजिटिव चेंज दिखाया है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज माना जा सकता है। यानी कि जो ऑलरेडी होल्डिंग्स थी और फंड्स की वो सेम नज़र आती है दिसंबर में, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपको आदित्य बिरला सन लाइफ RV ट्रस्ट फंड में देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो करीबन 4.5 लाख से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव बनते हुए नज़र आ रहा है, चाहे हम इसकी न्यूज़ के बारे में बात करें, चाहे हम इसके म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में बात करें। अब यहाँ से मौका क्यों लग रहा है कि आने वाले टाइम में 1-2 ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे चार्ट पैटर्न आपके सामने है, मूविंग एवरेज आपको 20 डेज का देखने को मिल रहा है, पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। जैसी जैसे जब इसकी कैंडलस्टिक्स इसको टच करती है, इससे नीचे ट्रेड करती है, उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और शेयर में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कंटिन्यूअसली। और अभी रिसेंटली जो इसकी ट्रेडिंग चल रही है वो 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली चांस ये है कि यहाँ से एक मूवमेंट निकल सकता है। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर आप बाइंग कर सकते हो, आने वाले 5-10 दिन के बीच में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसे कुछ टेक्निकल फैक्टर्स यहाँ से इंडिकेशन दे रहे हैं। और आपको पता ही है टेक्निकल फैक्टर्स जो है वो 80-90% आपको सही या एक्यूरेट पिक्चर दिखाते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो है IEX का जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बनते हुए नज़र आया है। मैंने आपको बता भी दिया तेज़ी कब बन सकती है, बाइंग प्राइस क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर करके इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। अब हम यहाँ पे एक नज़र मान लेते हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके पोर्टफोलियो में आपको अभी भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। एपटेक लिमिटेड, NCC, नज़ारा टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको विल केयर, आर्गो टेक, VA टेक, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मंदाना रिटेल वेंचर, जुबली एंड क्रिजिल, टाइटन, एस्कॉट, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, और अगर आप देखो करूर वैश्य, द फेडरल बैंक, अनंतराज और इंडियन होटल्स जैसी कंपनीज का आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है इनके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इनका पोर्टफोलियो देख के इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हम लोगों के सिनेरियो से। मैं यहाँ पे आपको बस जस्ट एक आइडिया दे रहा था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कैसी रहती हैं और अपनी स्ट्रेटजीज कैसी रहती हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।